नमस्कार साथियों, तो कल की न्यूज है जिसमें विशाला के करीब एक ढाणी है, वहां पे कुछ लोगों ने एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल ले आए हैं, उनका इलाज चल रहा है। पूर्व राणा राजपूत समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, जो आपको अभी बताएंगे आगे की जो भी घटना है उसके बारे में। लाता ठोके, पेट में लाता ठोके, वहाँ देर आने भरी थी, पूरी लाता ठोके डिलीवरी थी, हम फूटा मारा की हो। मैं सुरेंद्र सिंह दहिया हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष राणा राजपूत समाज बाड़मेर से हूँ। आज से 15 दिन पूर्व एक विशाला गांव के पास में ढाणी है, उसकी ढाणी के अंदर स्वरूप सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था इलेक्शन को लेकर। स्वरूप सिंह राणा राजपूत समाज से हैं, जो इलेक्शन के अंदर डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ में था, उनका प्रचार प्रसार और उनके वोटिंग के समय हर समय साथ रहा। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए वहाँ सरपंच प्रतिनिधि है हाथी सिंह, उसके परिवार के लोगों ने इनके साथ मारपीट की, रास्ता बंद किया, जाने आने के लिए रोका। फिर हमने वहाँ मिलकर सब वहाँ थानाधिकारी बाड़मेर ग्रामीण के अंदर एक FIR दर्ज करवाने के लिए अपेक्षा दी थी, लेकिन माननीय थानाधिकारी महोदय ने आगे फॉरवर्ड कर दी पुलिस चौकी विशाला को। दूसरा पुलिस चौकी को मैंने खुद भी फोन किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई कार्रवाई की नहीं। हमने दो तीन बार बात भी की, हालांकि वो थाना पुलिस चौकी जो विशाला के इंचार्ज मेरे मित्र है पूनम चंद जी, लेकिन मित्र दल उन्होंने निभाया नहीं। उसके बाद में आज ये करीबन 6:30 बजे अपने घर आ रहे थे खेत से, बीच में ये लोग नाम है इसका टीपू स्वरूप सिंह नाम है, सुंदर सिंह, ये लोग आ रहे थे। इनके साथ में तीन तो जेंट्स थे और एक लेडीज थी, नाम तो मुझे उनका नहीं पता है। इन्होंने उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज की, और ये प्रेग्नेंट है लेडीज, बच्चा है, प्रेग्नेंट है इसका। और इनको अभी वहाँ तक इनको गाड़ियाँ नहीं आने दी, उनके कई परेशानी किया उनको। उसके बाद हमने बाड़मेर से गाड़ी भेजी, उस गाड़ी के अंदर इसको हॉस्पिटल लेके आए। वो उनके ढाणी के पास में दाना नहीं दे रहे थे, तो ये उन लोगों ने मना कर दिया, सब गांव के लोग आसपास के सब लोगों को मना कर, आप ढाणी की दाना नहीं। फिर हमने बाड़मेर से गाड़ी भेजी, बाड़मेर से गाड़ी इसको अंदर लेके आए और यहाँ हॉस्पिटल एडमिट कराया। इनकी ब्लीडिंग भी हो रही है, लेकिन मैंने थानाधिकारी साहब से खुद को फोन किया था 1.5 घंटा पहले, मैं को यार कम से कम इनको एक आपका कांस्टेबल साथ में भेजना चाहिए, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। उसको बिल्कुल छोटा सा हल्के में लिया है। आज इसकी स्थिति बड़ी सीरियस है। अभी गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर भी आए हुए, दो तीन डॉक्टर और आए चेकअप के लिए, इनको रेफर कर रहे हैं जोधपुर के लिए, बहुत ज़्यादा है। और इस संबंध में मैंने माननीय था वृत्ताधिकारी आनंद सिंह जी राजपुर साहब से बात की थी, लेकिन उनका वापस उनका कोई रिप्लाई आया नहीं कि मैं उनको, उन्होंने मुझे बोला कि मैं बोल दूंगा। अभी मौके पर पुलिस पहुंची, अभी पुलिस पहुंच के हाथों उनके वापस रवाना, उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं, ना उनका कोई मानस कारण कार्य करने मानस है, क्योंकि विधायक महोदय का, पूर्व विधायक महोदय मेवराम जैन का निजी आदमी है सरपंच प्रतिनिधि हाथी सिंह, इसलिए वो असक्षम है। लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक शांत और धैर्य से बैठे हैं, पुलिस प्रशासन इसको संज्ञान में ले और कार्रवाई तत्काल करे, अन्यथा फिर कल बड़ा मामला बिगड़ सकता है। हम नहीं चाहते, क्योंकि मैं खुद CLG मेंबर भी रहा हूँ, पुलिस प्रशासन के साथ रहा हूँ, हम नहीं चाहते कि मामला कोई बिगड़े। महिला का एक बच्चा पहले से है और बच्चा भी प्रेग्नेंट है, 8 महीने की है। टिक्कू वाइफ ऑफ चंद्र सिंह नाम है, विशाला के पास दान सिंह ढाणी के गाँव की रह सकते। अभी हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर एडमिट है, डॉक्टर भी आए हुए हैं उनके साथ में। पहुंचने के बाद में पुलिस को फोन किया, CI साहब को फोन किया, आनंद सिंह जी राजपुर साहब को फोन किया, पूनम जी तो मेरा फोन अटेंड करते नहीं है, पता नहीं उनकी क्या मनसा है, क्या है नहीं, कोई जानकारी नहीं है।